नमस्कार, स्वागत हम आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम करने वाले इंडिगो लीग के पहले एलिट फोर मेंबर यानी कि मिस्टर लॉल राय। क्या बोला तूने? मिस्टर लॉल राय मिसेस लॉल राय को हराने वाले। तो अब देखते हैं क्या मिस लॉल राय ताकतवर है या बेकार है मेरी तरह। तो हाँ, आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो ये है कि मैं किसी को भी जॉली का नेचर देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है। वैसे तो ग्रेनिंजा को प्रोटीन देना चाहिए पर मैं इसे बैटल बॉन्ड दे रहा हूँ क्योंकि इसे प्रणव ग्रेनिंजा को बनना पड़ेगा ना मेरी जान। और सिर्फ निकनेम दे देता हूँ पी एंड मैं पता है मैं प्रणव ग्रेनिंजा नहीं डाल सकता तो ये डाल दो और फिर ये प्रणव ग्रेनिंजा हो गया। अब आने वाला है मजा। मजा मतलब सजा, सजा मतलब मजा, मजा मतलब सजा भी होता है और मजा भी होता है, आप समझ जाओ। तो हमारा पीक ग्रेनिंजा हो चुका है रेडी एकदम। इसके पास अगर एक्सपर्ट बेल्ट मतलब ये बहुत ही एक्सपर्ट है सब चीजें में ये। और दूसरा हमारा मेगा, क्योंकि आप लोगों 47% वो चाहे थे मेरा मेगा मेटाग्रॉस पर, तो अभी मेगा मेटाग्रॉस को तो लेना पड़ेगा ना मेरी जान। क्लियर बॉडी है, काफी अच्छा है। और फिर हमारे पास है हमारा वीवाई जो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। इस प्लेयर में बहुत ज्यादा काम आया। हमारे पास है हमारा एक्सकड्रिल जिसने काफी जिम्स में हमारी मदद की। और फिर ड्रैगनाइट है जो हमने अभी अभी पकड़ा और कियोंग है जो काफी देर से हमारे साथ है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते, वही बात है। और अब हम इससे बात करते हैं। इसने लॉर्ड लाई को ग्लेशियर के साथ देखा था तो मैं स्टील टाइप मेटाग्रॉस को सामने रख देता हूँ गाइस। और अब हम जाते हैं अंदर। और लॉर्ड लाई लेट्स सी ब्रो व्हाट यू हैव गॉट फॉर मी। क्या तुम्हारे पास एक ताकतवर पोकेमोन है? स्वागतम तुम्हारा पोकेमोन लीग में। मैं हूँ लॉर्ड लाई द सबसे स्मार्टेस्ट एलिट फोर मेंबर। मेरे पास है फ्रीजिंग मूव। अब तुम होने वाले हो फ्रीज, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यस यस आई एम ऑल रेडी। लेट्स सी गाइस क्या लॉर्ड लाई हमें हरा पाएगी या फिर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। इसने अल्ट्रा बॉल में एक लैंड्रेस थ्योरियन फॉर्म को पकड़ा जो काफी इंटरेस्टिंग है पर वो अपोनेंट्स प्रेजेंस ने एक हेल स्टॉर्म को सेटअप कर दिया गाइस, मतलब अभी होने वाली है गड़बड़। अच्छा हुआ इसके पास क्लियर बॉडी। आइस बीम सुपर इफेक्टिव ना, 4 times इफेक्टिव है गाइस लैंड्रॉस के ऊपर। मैं इसके ऊपर मारता हूँ गाइस मीटियर मैश ग्लेशियन के ऊपर। ये देखो गाइस मेगा हो चुका है ये और ग्लेशियन ने मारा है ब्लिजर्ड। हम दोनों के ऊपर नॉट वेरी इफेक्टिव है तो ज्यादा डैमेज तो देने से रहा लेकिन ग्लेशियन ने मेरे फास्ट ग्रेनिंजा को आउटस्पीड कैसे किया मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा गाइस। कोई बात नहीं गाइस, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं लेकिन हमें समझना पड़ेगा गाइस। आप समझ रहे हो ना भाई लोग? पता नहीं गाइस ये क्या हुआ, गेम रीसेट हो गया। अब यार मुझे क्या पता गेम तो रीसेट होता है पर कोई बात नहीं, गेम को रीसेट होने दो। और मेटाग्रॉस पर एक क्रिटिकल हिट पड़ गया गाइस। वाह ब्रो आइस बीम देखते कितना डैमेज देगा। वैसे इसके पास एक एक्सपर्ट बेल्ट तो पड़ा है जो सुपर इफेक्टिव मूव्स को ज्यादा बूस्ट करता है। अब ये देखो गाइस ये प्रणव ग्रेनिंजा बन गया है। अब मीटियर मैच कितना डैमेज देगा देखते हैं। अच्छा पूरा ही खत्म कर दिया गाइस, नाइस। अभी मुझे लगता है बियर्टिक को इन्होंने फाइटिंग टाइप भी दे दिया गाइस तो मैं ना क्या करूंगा, मुझे पता है मैं उड़ने वाला हूँ तो मैं इस्तेमाल करूंगा अपना 150 किलो का दिमाग। और ये देखो गाइस अलार्म हो रहा है फोन में, मैं इसमें स्नूज डाल दूंगा क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है। अभी मैं बियर्टी को मारूंगा वाटर शुरू क्योंकि इस बियर्टी के पास स्लश रश एबिलिटी है जिससे इसका स्पीड डबल हो जाता है। हाँ गाइस मैंने अपना पूरा होमवर्क किया है और अगर आपको भी ऐसा होमवर्क करना है रेडिकल के ऊपर तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सारे एलिट फोर मेंबर्स के टीम्स उनके पर मूव सब कुछ वेरी केयरफुली ऑब्जर्व किया और मुझे लगता है ये टीम
सबसे बेस्ट हो सकती है रेडिकल को हराने के लिए, लेकिन वो अलग बात है। मैंने चैंपियन का टीम देखा नहीं है क्योंकि चैंपियन का टीम रैंडमाइज होता है तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस पर, मतलब तुम्हारे टीम के हिसाब से उसे रैंडमाइज किया जाता है। ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मेरे एक प्यारे दोस्त ने मुझे बताया था। तो मुझे लगता है ये बियर्टिक जो है जो मुझे नॉकआउट कर सकता है, तो मैं ना इसको वाटर शुरुकन मार देता हूँ और बुलेट पंच भी इसे मार देता हूँ। अच्छा हुआ गाइस बियर्टिक तो गया गाइस, नाइस। हम दोनों एक एक एचपी के हैं गाइस। ये ओबामा स्नो भाई मुझे पता है उसकी डर गया, क्योंकि मेगा ओबामा स्नो के पास भी स्लश रश एबिलिटी है गाइस, जिससे इसका स्पीड डबल हो जाता है हेलस्टॉर्म में। वैसे तो लोरलाई के पास दो टीम है गाइस, एक तो ग्लेशियन वाला और दूसरा नाइन टेल्स वाला। अब आप समझ रहे होगे कि ग्लेशियन वाला नाइन टेल्स वाला अरे तुम कहना क्या चाहते हो। सो बेसिकली ग्लेशियन वाला मतलब आइस टी, नाइन टेल्स वाला मतलब वाटर टीम, मतलब उसके पास लोला के पास एक वाइस टीम और लोला के पास एक वाटर टीम। वाटर टीम में मेगा है मेगा स्वैम्पर्ट स्विफ्ट फ्रेम के साथ, जिससे उसका स्पीड डबल हो जाता है। और इस टीम में है ये वाला पोकेमोन। और मुझे पता है आप लोग को ये सब नहीं पता होगा, लेकिन मैंने अपना पूरा रिसर्च करके आया हूँ गाइस। सो मुझे नहीं लगता आपको डरने की कोई बात है, क्योंकि मैं अपना पूरा 1.5 किलो का दिमाग इस्तेमाल करके ही आता हूँ गाइस। पहले एलिट फोर मेंबर को फर्स्ट टाइम में हराने की कोशिश, वो अलग बात है कि मैंने बहुत ज्यादा मैंने लगभग 60-65 अटेम्प्ट किए होंगे इस अटेम्प्ट मिलने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम आपको कंटेंट प्रोवाइड करना और आपका काम है कंटेंट देकर एंजॉय करना। आपको ये बात नहीं जानने की इस बैटल के कितने अटेम्प्ट लगे, लेकिन अगर कोई बैटल 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट हुए उसके लिए तो मुझे वो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा है गाइस, सही में मैं बोल रहा हूँ। अभी हम मारेंगे आयरन हेड और ईक्यू। अबे मैंने अपने टीममेट के ऊपर ही मार दिया गाइस, ये क्या गड़बड़ हो गई बॉयस। कोई बात नहीं यार, हम मारेंगे अर्थक्वेक। ये तो गड़बड़ हो रही है गाइस, हमें इसे जल्दी मारना पड़ेगा नहीं तो ये हमें मार देगी। लॉल। और कोई बात नहीं गाइस, ये मैंने थोड़े वॉच टाइम के लिए किया था, थोड़े से वॉच टाइम के लिए। अब हम फिर से हराते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके इंटरेस्टिंग। ओके अब क्या करूं, आई जम के कहीं मारना पड़ेगा एंड बुलेट पंच। नहीं आई जम के मिस हो गया क्या? नहीं मिस हुआ, अच्छी बात। अगर मिस होता तो पटक पटक के मारता इसे। सकर पंच आयरन हेड। नहीं एक एचपी का बच गया गाइस, वो तो प्लान में था ही नहीं, एक एचपी का बचना, कोई बात नहीं। प्लान हमेशा चेंज होता रहता है, बट आई डोंट केयर गाइस, वी हैव डिफीटेड लॉरेलाई, लेट्स गो बॉयज। थिंग्स शुडंट बी दिस वे। हाँ भाई तुझे तो सब गंदे चाहिए ना तरीके। So guys, हमने हरा दिया है लॉरेलाई को, अब हम अगले एपिसोड में ब्रूनो को भी हराएंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ माय फ्रेंड्स। अगले वीडियो के लिए इंतजार करते रहो जो कल आएगी, 99.99999% आ जाएगी कल। मैं तब तक आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप सभी को बाय बाय।